भाई साहब, रिमेक की दुनिया में एक और मूवी आ चुकी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कमबैक हो जाए, वो भी किसका, खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का। बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं भाई, वो काम कर रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट पर, लेकिन अक्षय कुमार क्या करते हैं कि भाई साहब इन्हें नोट छापना बहुत हैवी डिमांड लगती है एंड फर्स्ट प्रायोरिटी लगती है, कि दैट्स वाई कि ये इतना ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट पर काम करते नहीं हैं और साल में चार चार पाँच पाँच बार ये फिल्में लेकर आते हैं, वो भी कई बार इनकी रीमेक होती है और कई बार क्या लगभग लगभग रीमेक ही होती है, जो अभी तक हम पिछले दो तीन साल से देख कर आ चुके हैं। और फिर कहते हैं कि भाई साहब क्यों इतना पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो, औरों को तो इतना प्यार देते हो, इनको क्यों नहीं देते हो। भाई इसमें होता ये है कि बहुत बार ऐसे कंटेंट भी लेकर आ जाते हैं जो उन्हीं चीज़ में काउंट करी जाती है कि यार ये मूवी भी एवं ही होगी। लाइक अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, भाई क्या चूतिया काटा है उन लोगों ने, लोगों को पहले ट्रस्ट दे के बुलाया, भाई लोग पैसा खर्च करके गए टिकट खरीद के, महंगी टिकट थी उसकी, उसके बाद भी उन्हें उतना कुछ देखने को नहीं मिला। दैट्स वाई कि ये उसका रिटालिएशन, वो जो ट्रस्ट वहाँ उन्होंने तोड़ा, उसकी भरपाई इन्हें यहाँ करनी पड़ रही। सरफिरा मूवी आई है भाई, सरफिरा मैं नहीं कहूँगा कि बेकार है, बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, लेकिन बात यही है कि रीमेक है और रीमेक भी कोई इतना पुराना नहीं है या फिर कोई इतनी अंडररेटेड मूवी का रीमेक नहीं बनाया है। 2020 में चार साल पहले ही ये मूवी धमकी थी और इतना कोई उसमें ऐसा स्टार नहीं था कि उसे कोई जानता नहीं है। भाई साहब वो मूवी हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी अमेजॉन प्राइम पर, OTT प्लेटफॉर्म पर। सूर्या जिसके मेन लीड पर आपको देखने को मिलेंगे, भाई सूर्या का नाम, सूर्या ऑलरेडी फेमस है अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, वो जो जान डालते हैं एक चीज़ के लिए, भाई साहब सिर्फ साउथ में पकड़ नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ हो चुकी है। और उन्हीं की मूवी को पूरा कॉपी पेस्ट करना, वो भी अक्षय कुमार के लिए, तो भाई लोगों का यहाँ ट्रस्ट नहीं बन रहा है। वो थिएटर हाउस में जाकर ही पता लग रहा है कि वहाँ कोई भी नहीं है, भाई थिएटर्स खाली चल रहे हैं। ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ भी अगर कमा ले जाती है तो मेरी नज़र में ये सक्सेस की वो चरम सीमा को छू लेगी जिसके लिए हम वेट करते हैं। तो ऐसे मूवी के डायरेक्टर भी सेम ही हैं और कास्ट की बात करें तो कास्ट अधिकतर चेंज है, लेकिन परेश रावल का रोल जो वहाँ था वो यहीं पर ही है, सेम एज इट इज। देन स्टोरी लाइन की बात करें तो फुल कॉपी पेस्ट है, कोई भी कहीं से कहीं तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। डायरेक्शन में भी वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन डायरेक्टर ने पहली मूवी में दी है और वही डायरेक्शन इसमें भी देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर ये मूवी चलेगी या फिर अगर नाम पे आएगी तो भाई साहब सिर्फ अक्षय कुमार के नाम के दम पर, क्योंकि उस बंदे ने वो काम किया है। भाई एयरलिफ्ट अगर आपने देखी थी, एयरलिफ्ट में वो इमोशनल कनेक्शन देखने को मिला था, वो फुल एफर्ट देखने को मिला था कि एक बंदा कोई इतना हेल्पलेस बंदा जिसने एक वो ड्रीम सेट कर रखी है और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत कुछ हमें एफर्ट मारना पड़ता है, वो सारी कोशिश करनी पड़ती है कि भाई कैसे भी इस चीज़ को अचीव करना है। लाइक जो एयरप्लेन वाली कहानी दिखा रही है कि इतना टिकट प्राइस इतना सस्ता करके रखना है कि मेरे गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग, वो भी एयरप्लेन पर या फिर वो अमीरों वाली लाइफ को जी सके, उसको फील कर सके, महसूस कर सके। तो उसके लिए जितनी भी कोशिश जद्दोजहद उनकी तरफ से हुई है वो एक नंबर है, औसम है। अक्षय कुमार की तरफ से भाई साहब एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक नहीं कई मोमेंट ऐसे आएंगे जहां पर आपको इमोशनल करके जाएगी ये मूवी, फुल दिल को टच करके जाएगी। लेकिन हाँ, लोग नहीं जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, इसका जेन्युइन रीज़न यही है कि मूवी ऑलरेडी बहुत लोगों ने पहले भी देख चुके हैं और उसके बाद ये OTT प्लेटफॉर्म पर जब फर्स्ट हैंडी ओरिजिनल माल ही इतना दमदार है तो वाई लोग पैसा क्यों खर्च करके जाएंगे। इसके ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद कोई और मूवी नहीं आने वाली है, इसके बाद भी धड़ाधड़ ऐसी मूवी लाइन पर लगी पड़ी है जिन पे पैसा खर्च करना जायज बनता है उन लोगों का। दैट्स वाई कि भाई लोग यहाँ बजट मेंटेन करके चल रहे हैं और यस मैं भी कहूँगा कि भाई साहब बजट मेंटेन करके ही चले। आप वेट करें OTT प्लेटफॉर्म, जब ये मूवी आ जाएगी तब देख लेना, बाकी इतना कोई मर नहीं रहा है इस मूवी को देखने के लिए। बाकी दैट्स माई रिव्यू, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका ऑलरेडी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।